नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कुछ स्पेशल। जी हाँ, आज मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ। क्या है, चलो देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मेरे पास पड़ा हुआ है आसुस का विवो बुक। जी हाँ, आसुस का विवो बुक। तो इसको अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। मेरे साथ हैं हमारे हेड सर मिस्टर राजेश जी। तो हम इनके साथ मिलकर इसे अनबॉक्सिंग करेंगे और देखेंगे इसके फीचर के बारे में, इसमें क्या क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं चाहूंगा कि इसमें क्या क्या है इसके बारे में आपको थोड़ा सा डीप में सर जी बताएं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे चैनल पे टेक्नोलॉजी और टेक्निकल की वीडियोस आती रहती हैं, जो आप सबके लिए काफ़ी यूज़फुल हैं। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ अनबॉक्सिंग। तो अब बात आती है कि मैं स्पेशल इसी को क्यों चूज़ कर रहा हूँ। तो सब कुछ बताऊँगा कि इस लैपटॉप में क्या खास है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सर, शुरू कीजिए और बताइए इसमें क्या खास है और इसको करते हैं अनबॉक्स हम। थोड़ा सा चाहूंगा कि सर बताएं इसके बारे में, बताइए सर इसमें क्या है। हेलो फ्रेंड्स, तो सबसे पहले इस लैपटॉप की अगर प्राइस की बात की जाए तो जो इसका MRP दिया हुआ ना 82,990 रुपीज़ है। बट ये 80,000 का लैपटॉप है। मेन इसमें ये इतना महंगा है, कॉस्टली है, पर इसमें कुछ स्पेशल फीचर्स हैं जो नॉर्मल लैपटॉप में नहीं होते हैं। तो वो स्पेशल फीचर्स क्या हैं, अगर हम पहले नॉर्मल कुछ टेक्निकली नॉर्मल स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें इन्होंने क्या दिया हुआ है कि इसमें हमारे पास 512 GB की SSD लगी हुई है, 2 GB ग्राफिक्स कार्ड है इसका, और इसमें i5 10th जनरेशन प्रोसेसर है हमारे पास, और इसकी जो स्क्रीन है 15.6 इंच की फुल HD डिस्प्ले है, और वाईफाई वगैरह, और इसमें USB में 3.0 और 2.0 के साथ साथ एक टाइप सी केबल की भी ऑप्शन दी हुई है, और 3 सेल बैटरी लगी हुई है, और बैटरी बैकअप भी इसका अच्छा है क्योंकि 10th जनरेशन है। एनर्जी एफिशिएंट ये लैपटॉप है। पर इस लैपटॉप को मेन चूज़ करने का रीज़न क्या है कि इसमें कुछ इन्होंने एक नई चीज़ स्पेशल दी है। तो आइए हम इसको अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या नया स्पेशल है। तो जैसा कि इसको शुरू करते हैं, तो सर इसे अनबॉक्स कर रहे हैं, हम देखेंगे इसके अंदर क्या चीज़ है। तो बड़ी कमाल की प्राइस के हिसाब से तो, और ग्राफिक कार्ड भी लगा है, गेम खेलने वालों के लिए तो सोने की चीज़ है। और इसमें कुछ नया दिखाने वाले हैं हम आपको कि नया क्या है इसमें। चलिए, तो इसको हमने अनबॉक्स कर लिया है और अब इसको हम निकालते हैं और इसमें देखते हैं क्या है। तो ये रहा हमारा लैपटॉप। जी हाँ, स्लिम है और बहुत अच्छा पीस है, देखने में हल्का भी, लाइट वेट है, और इसको आप आराम से कैरी कर सकते हो ऑफिस के लिए भी, हर जगह के लिए। अब देखते हैं और क्या है इसमें। सर थोड़ा सा आप इसके बारे में बताएं। ये हमारे पास एक चार्जर है, इसकी बारीक पिन है, चार्जिंग सॉकेट, और ये नॉर्मल केबल है। इसे मैं लैपटॉप से सर कितने एम्पियर का चार्ज है देख सकते हैं हम इसे। ये 1.5 एम्पियर का चार्जर है, 1.5 एम्पियर का, 65 वाट का है, 3.2 19 वोल्ट। इसकी मैनुअल बुक भी मिल जाती है आपको यहाँ से। वीवो बुक है ये हमारे पास, अलग अलग जिसमें इन्होंने गाइडेंस दी हुई है। जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें काफ़ी कुछ है, ये तो बुक्स में है, हम इसे प्रैक्टिकली और लाइव देखेंगे कि इन्होंने हमें क्या क्या स्पेशल दिया है और इसमें क्या खासियत है। तो फाइनली इसे बाहर निकाल लिया है, तो चलिए इसको निकालते बाहर हम। तो ये निकाल रहे हैं, कलर बहुत प्यारा कलर है इसका, और आप देख सकते हैं कि कितना पतला पीस है। और इन्होंने एयर एग्जॉस्ट सिस्टम इन्होंने यहाँ पे डाला हुआ है, जैसे जो लैपटॉप की एयर एग्जॉस्ट होती है वो इन्होंने यहाँ पे डाला हुआ है जी। ड्यूल स्पीकर्स हैं इसमें, एयर एग्जॉस्ट सिस्टम है, और विंडोज 10 के साथ आया है, और मेनली के पीछे स्लिम एंड स्लीक, और कलर बहुत ही स्मूथ और अच्छा कलर है इसका। इन्होंने जो लैपटॉप में एक बॉर्डर दी है जो लैपटॉप को मोर अट्रैक्टिव बनाती है, यानी एक नॉर्मल लैपटॉप से हमें फील डिफरेंट हो रहा है, और वाकई ये बुक बहुत अच्छी है। तो आइए अब इसके फीचर्स के बारे में देखते हैं और इसमें जो मेन मैंने इसको अनबॉक्सिंग की है उसमें नया क्या। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये हमारा लैपटॉप है, ट्रैकल कीबोर्ड्स के साथ साथ बिल्कुल स्लिम एंड अल्ट्रा, और ये आप इसका ट्रैक पैड देखिए, स्मूथ है, i5 10th जनरेशन विद NVIDIA ग्राफिक कार्ड के साथ है, स्क्रीन पैड दिया है। तो जो मेन हमारी लैपटॉप में हम कह रहे थे कि डिफरेंट है वो हमारा है स्क्रीन पैड। तो क्या होता है स्क्रीन पैड, कैसे इसका वर्क करते हैं, आइए इसका। इसमें जो डिस्प्ले है वो काफ़ी स्पेशल डिस्प्ले, फुल HD विद IPS पैनल के साथ है। तो इसको हम ऑन करते हैं। स्पीड के मामले में आपने जैसे देखा कि स्टार्टिंग करते सर ही ये ऑन हो गया, तो आप देख रहे हो रेड कलर की लाइटिंग है। ये उन्होंने नया स्पेशल दिया जो है फेस अनलॉक, यानी आपका जैसे मोबाइल पे आपके फेस अनलॉक होता है ये वैसे ही फेस डिटेक्ट करता है। इफ़ अगर आपका फेस आप डिटेक्ट नहीं करवाना चाहते तो उन्होंने सेटिंग ऑप्शन दी है पिन की रिक्वायरमेंट, तो आप इसे पिन की भी रिक्वायरमेंट डाल सकते हैं।
तो देखिए यहाँ पे जैसे हमने पिन डाला है ओपन हो चुका है और काफ़ी प्यारा काफ़ी स्लिम है। और ये देखिए कमाल की चीज़ क्या है इसमें, ये सर इसके बारे में थोड़ा सा बताइए आप। देखिए लैपटॉप में मेन इसमें जो क्या है, मेन फंक्शन इसका क्या है और मेन इसमें नई नई चीज़ें क्या हैं, तो जैसा कि आप ये लैपटॉप की एक स्क्रीन देख रहे हो, ये हमारे लैपटॉप सभी लैपटॉप्स में होती है। तो इसमें जो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था कि स्क्रीन पैड, तो स्क्रीन पैड का मतलब है कि आपके कीबोर्ड के जस्ट जहाँ पे माउस पैड होता है उसकी जगह पे एक ड्यूल डिस्प्ले आपको मिल जाएगी। तो ये स्क्रीन पैड है। अब इसका फीचर्स क्या है, सबसे बड़ा फीचर है कि अगर आप इसे एज ए माउस पैड यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पर इन्होंने एक ऑप्शन दी हुई है, ये टच, आप इसे यहाँ पर जैसे आप इस पर क्लिक कर दो कि इसकी जो लाइट है वो ऑटोमेटिकली डिम हो जाएगी और यहाँ पर एक क्रॉस का सिम्बल आ जाएगा, आप देख रहे हो। अब आपका जो ये पैड है ये ऑफ हो चुका है, अभी आप इसे एज ए माउस यूज़ कर सकते हो, यानी आप देख रहे हो यहाँ पे ये आपका माउस पैड की तरह वर्क करेगा। जैसे ही हम इसे क्रॉस पे करते हैं यहाँ पे तो ये लाइटिंग ऑन होगी, अब ये आपका एज ए डिस्प्ले काम करेगा। आप यहाँ पे इसको नेविगेशन दे सकते हो, ये देखो आप इसको आराम से कोई इधर मूव कर सकते हो, यानी एज ए आपके स्क्रीन टच का काम करेगा। अब यहाँ से हम कर क्या सकते हैं, आप किसी भी एप्लीकेशन को रन करना चाहते हैं आप इसको यहाँ पे क्लिक कीजिए, आप ये देखिए सामने से आपकी एप्लीकेशन रन कर गई, तो ये आपके स्क्रीन पे आ गए। और सेकेंडली यही चीज़ आपको यहाँ पे भी डिस्प्ले करेगी, यानी आप इसे ये कह सकते हैं कि ये ड्यूल डिस्प्ले आपकी हो गई। तो आप किसी को भी वर्क करते हो और पर्सनल वर्क करते हो दोनों को आप सेपरेट भी रख सकते हो। तो आपको अगर ये क्लोज़ करना है तो आप इसे क्लोज कर दीजिए, और अगर आपको माउस पैड की जगह इसको माउस पैड एज ए माउस पैड यूज़ करना है तो आप इसे यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, माउस पैड आपका वर्क करने लग जाएगा, अभी आपका एज ए माउस वर्क करेगा। रह गई इसमें स्पेसिफिकेशन की, तो इन्होंने कीबोर्ड में LEDs दी है, तो कीबोर्ड की LEDs दिखाने के लिए मैं आपको लाइट ऑफ करके दिखाता हूँ कि इन्होंने नाइट वर्किंग के लिए कितना अच्छा फीचर दोनों। आप ये देखो कि इन्होंने कीबोर्ड्स के इंटरनली LED लाइट दी है, अंधेरे में बिल्कुल हैसल फ्री वर्क कर सकते हैं, और इसकी जो ब्राइटनेस कंट्रास्ट है आप उसे भी कम कर सकते हैं कि आपको लाइट कितनी चाहिए। सेकेंडली आते हैं अब इसमें, जैसे मैंने बताया था ग्राफिक कार्ड है और इसमें मेन प्रोसेसर और हमने पहले ही देख लिया था, तो अब हम इस पे प्रॉपर्टी पे जाते हैं और इसके प्रोसेसर के बारे में देखते हैं। तो जैसे ये मेरी स्क्रीन पे आ गया, आप देख रहे हो यहाँ पे 8GB रैम है और इंटेल कोर i5 10th जनरेशन है, और इसमें इन्होंने 64-bit ऑपरेटिंग सिस्टम है और विंडो 10 है, और भी इसमें बहुत से फीचर्स हैं, ये आपको शिवम सर बताएंगे। तो जैसा कि सर ने आपको सारे फीचर के बारे में बता दिया, तो कुछ चीज़ें मैं क्लियर करना चाहूँगा। पहली ये कि अगर आप गेम खेलने के शौकीन हैं, पबजी तो सब अब बंद हो गई, लेकिन फिर भी अगर आप शौकीन हैं कंप्यूटर में गेम खेलना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है, और आप इस पर काफ़ी अच्छी तरीके से कोई भी गेम इंस्टॉल कर सकते हैं, खेल सकते हैं, क्योंकि इसमें i5 10th जनरेशन लगा हुआ है। जैसा कि मैंने बताया ना 10th जनरेशन प्रोसेसर लगा हुआ है, तो आप इस पे हैवी से हैवी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं, चाहे वो ऑटो कैड का और लेटेस्ट वर्जन हो या ऑटो डिस्क माया हो, गेम खेलने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, काम के लिए और भी अच्छी चीज़ है। लेकिन मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि अगर आप स्टूडेंट हैं, अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप इसको खरीदें, क्योंकि ये ज़्यादा कॉस्टली है, ये आपको पड़ जाता है 80,000 का, तो अभी आप नॉर्मल ले सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी ऑफिस में काम करते हैं, आपको नीड है, आप हैवी वर्क करते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है, काफ़ी स्लिम है, इसके बारे में आपको बताया ही गया है, और काफी देखने में इसका लुक अच्छा लगता है, काफी प्यारा कलर है, और बाकी इसके टच पैड या ड्यूल डिस्प्ले के बारे में तो आपको सर ने बता ही दिया है। किसी भी प्रकार की कोई मोर इन्फॉर्मेशन अगर आपको लेनी है इसके बारे में, तो आप इसका मॉडल नंबर डाल के उसको निकाल सकते हैं। खरीदना कहाँ से, कैसे करना है, वो मैं लिंक नहीं देने वाला, क्योंकि ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ये आपको केवल नॉलेज पर्पस से दिखाई गई है। तो इतना करने के बाद अब करते हैं वीडियो को यहीं पे एंड, और लेकर आएंगे जल्द ही आपके लिए कोई और भी कमाल की अनबॉक्सिंग। तो अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो बोलना ना पड़े, सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, गुड बाय।